ये वीडियोकॉन का एक सीआरटी चैसिस है, ये रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये 14 इंची टीवी का अंदर ये चैसिस है, और ये चैसिस का जो आईसी नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, LV76610 इसका प्रोसेसर आईसी है, ठीक है। अब अच्छा करके एक बार देखिए, और नीचे इसका नंबर भी आप देख सकते हो, 5BP13ZN0H इस तरह नंबर है। और ये चैसिस का जो मेन फॉल्ट है कि वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो ये अलग से फॉल्ट है। देखिए ऑडियो वीडियो मैं कनेक्शन करके ही रखा हूँ, और चलिए मैं ये पीसीबी अलग टीवी का पीसीबी है, ठीक है, मैं ये अलग पिक्चर ट्यूब पर लगा के टेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए अभी इसी टाइम सप्लाई देके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका सिम्टम किस तरह आ रहा है। तो सिम्टम का अच्छा करके देखना पड़ेगा, तब आप कुछ भी प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाओगे। तो इसीलिए मैं पहले से इसका ये कॉइल ESD सब कुछ कनेक्शन किया। तो चलिए एक बार सप्लाई देके दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर देखिए अभी ऑन है, इसका रिमोट मेरा पास नहीं है। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन हो गया, स्क्रीन पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों स्क्रीन का अंदर लाइट है, बट अभी इसी तरह फ्रैक्चरेड लग रहा है। और ये जो लग रहा है कि देखिए ये ब्लू लाइट ओके है, तब भी पिक्चर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिमोट दबा के भी आपको देखना पड़ेगा कि OSD आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा जंप कर रहा है, PCB को थोड़ा सा इधर उधर करके। तो दोस्तों देखिए अभी जंपिंग नहीं है, तो इस तरह ये फॉल्ट है। और ऑडियो वीडियो में कनेक्शन करके ही रखा हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए ऑडियो वीडियो कनेक्शन है और सेटअप बॉक्स का लाइन भी है, ठीक है। तो अच्छा करके देखने के बाद जो पता चलेगा कि इस तरह आप पिक्चर सेंड करेगा और टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करके आप डिस्कस करेगा कि सर लाइट ओके है, रिमोट का OSD भी ओके है। तो दोस्तों OSD में देखा, सप्लाई ऑफ करके ऑन करने के बाद देखा कि ऑडियो वीडियो लिखा है, मतलब ये भी मूड पर ये है, ठीक है। तो वीडियो नहीं आ रहा है, तो सबका दिमाग में चला गया कि इसका ऑडियो वीडियो लाइन का ही कुछ फॉल्ट है, कुछ शॉर्टिंग है। अधिकतर इस तरह PCB का अंदर ये जो वीडियो लाइन का अंदर ये जो सिग्नल IC का अंदर जा रहा है, इसका अंदर अधिकतर जो जेनर डायोड मिलता है ये जेनर डायोड शॉर्ट हो जाता है। हो सकता है इसका लाइन का अंदर जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर होता है वो फॉल्ट हो जाता है। बट दोस्तों कैमरा पर यह अच्छा करके नहीं दिखा जा रहा है कि स्क्रीन के ऊपर रिट्रेस लाइन है। आप अच्छा करके ध्यान दीजिए कि शुरू ये जो दाग देखिए ये रिट्रेस लाइन है। तो ये रिट्रेस लाइन देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये फॉल्ट कौन पोजीशन का फॉल्ट है, ठीक है। तो सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा कि प्लेन ब्लू स्क्रीन ये नहीं है, इसका अंदर रिट्रेस लाइन है, हल्का सा शुरू लाइन देखा जाता है। तो मन में लगेगा कि ESD घुमाने के बाद ये रिट्रेस लाइन चला जाता है, तो ESD घुमा के भी इस तरह एक बार देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों लाइट को मैं बहुत हल्का किया, करने का बाद देखिए रिट्रेस लाइन क्लियर नज़र में आ रहा है। तो दोस्तों कैमरा पर रिट्रेस लाइन नहीं शो हो रहा है, तो चलिए आपको घुमा के दिखाऊंगा। और ये स्क्रीन पूरा डाउन करने के बाद इसका अंदर हल्का सा पिक्चर देखा जाता है, बट लाइट जब मैं और बढ़ाता हूँ, ठीक है, चलिए मैं लाइट को जब मैं हाई कर देता हूँ तो कुछ भी पिक्चर नहीं आ रहा है, इस तरह देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ करके आपको एक बार सामने से दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो स्क्रीन है स्क्रीन का सामने से दिखाऊंगा कि रिट्रेस लाइन किस तरह आ रहा है। और रिट्रेस लाइन जब आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, व्हाइट रिट्रेस आएगा तो 184 लाइन जो ESD से आउटपुट होता है वो लाइन का फॉल्ट है। और जब ये ब्लू कलर का ऊपर रिट्रेस लाइन आएगा तो ये बेसबोर्ड का कुछ फॉल्ट है। तो फर्स्ट ये जो बेसबोर्ड का मोटा मोटा रेजिस्टेंस है ये आपको एक एक टच करके देखना पड़ेगा। ओ माय गॉड दोस्तों ये नीचे वाला रेजिस्टेंस बहुत ही ओवरहीट हो रहा है, बहुत ही ओवरहीट हो रहा है ये नीचे वाला रेजिस्टेंस। बट दोस्तों ये दो रेजिस्टेंस नॉर्मल सा है, एक्चुअली ये बेसबोर्ड का फॉल्ट है। तो चलिए एक बार रिट्रेस लाइन किस तरह आ रहा है आपको घुमा के एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद ये बेसबोर्ड रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों टीवी को मैं घुमा के आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए
ये जो शुरू शुरू लाइन देखिए, इसका अंदर रिक्टेस लाइन है, और यहाँ पर देखिए हल्का सा ये भी लिखा है, ठीक है। ये दोस्तों रिक्टेस लाइन है, ब्लू स्क्रीन का ऊपर जो शुरू शुरू लाइन देखा जाता है ये रिक्टेस लाइन है। अब PST जितना लो करके पूरा लो करेगा तब भी ये रिक्टेस लाइन नहीं हटेगा, ये ब्लू लाइन का ऊपर। इसका मतलब ये कैथोड ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, ठीक है। तो हो सकता है बेसबोर्ड का अलग कुछ पार्ट शॉर्ट है, तो ये रिक्टेस लाइन आपको ये घुमा के दिखा रहा हूँ। और ये PCB दोस्तों देखिए, इधर से मैं ओपन करके इधर रखा हूँ। तो चलिए इसका बेसबोर्ड, ये जो बेसबोर्ड है स्मॉल बेसबोर्ड, तो ये ओपन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये बेसबोर्ड को मैं ओपन किया और इसका ये नीचे जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है। कौन सा? ये रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये मोटा वाला रेजिस्टेंस। बट दोस्तों ये सेम नंबर का तीनों रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर, ये दो रेजिस्टेंस नॉर्मल ही, और ओनली ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का लाइन आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 180 वोल्ट आता है, और 180 वोल्ट ये लाइन से ये रेजिस्टेंस पर आता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस से बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये कैथोड पिन पर जाता है। तो दोस्तों ये कैथोड पिन, मतलब पिक्चर ट्यूब पिन शॉर्ट होगा तो तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट दोस्तों ये मैं अलग पिक्चर ट्यूब पर टेस्ट कर रहा हूँ, इसका सिम्टम सेम ही है। तो इसका मतलब पिक्चर ट्यूब का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसका अंदर ये जो सप्लाई जा रहा है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो सकता है। और ये ट्रांजिस्टर का बायसिंग पार्ट्स, ये सब पार्ट्स जो देखा जाता है, ये ट्रांजिस्टर के साथ जितना पार्ट्स कनेक्शन है, ये सब पार्ट्स शॉर्ट हो सकता है। और आपको बता सकता हूँ कि इसी तरह प्रॉब्लम ये सब चेंज करने के बाद नहीं होगा तो जो बहुत न्यू टेक्नीशियन का दिमाग में बिगड़ जाता है कि और क्या पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है। यहाँ पर आप दोस्तों फोकस कीजिए, ये जो वायर है यह से RGB सिग्नल ये बेसबोर्ड पर आता है। बीच में एक एक रेजिस्टेंस देखा जाता है जो RGB सिग्नल है, और उसका साथ ये तीनों जो डायोड देखा जाता है RGB, तीनों लाइन का अंदर एक एक डायोड देखा जाता है जो 4148 का। तो जिस ट्रांजिस्टर लाइन का, मतलब जिस कलर लाइन का डायोड शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट होने का रीजन से भी उसी तरह वो जो लोड रेजिस्टेंस आपको बेसबोर्ड का अंदर दिखाया वो हीट हो सकता है, मतलब हीट भी होता है। और दोस्तों ये IC का जो ये जो तीनों सिग्नल मेन प्रोसेसर IC से आउटपुट होता है, ये IC का एक एक पिन, मतलब एक एक पिन से जो कलर आउटपुट होता है, कुछ भी एक पिन शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी इसी तरह रेजिस्टेंस ओवरहीट होता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टाइम मैं ये तीनों रेजिस्टेंस को एक बार चेक करके देखूंगा, ठीक है। देखने के बाद ये ओके मिलेगा तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर मैं चेंज करूँगा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर चेंज करके आपको देखूँगा। तो दोस्तों फाइनली ये ट्रांजिस्टर का नंबर देखिए C2330, ठीक है, C2330। ये ट्रांजिस्टर को मैं बाहर किया, बाहर करने के बाद ओनली यहाँ पर एक ही ट्रांजिस्टर मैं लगाया जो आपको दिखाया। और देखिए बेसबोर्ड का अंदर मैं कुछ भी काम नहीं किया, आप देख सकते हो इसका पुराना सोल्डरिंग है। ओनली ये ट्रांजिस्टर को चेंज किया, ठीक है। चेंज करने के बाद चलिए आपका सामने मैं सप्लाई देके एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और इसका पावर इंडिकेटर यहाँ पर चल रहा है, स्टैंड बाई ऑन करना पड़ेगा। लगता है इसका बॉटम स्विच थोड़ा गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन हो गया, और ऑडियो वीडियो में कनेक्शन करके ही रखा हूँ। लाइट, तो दोस्तों अभी लाइट तो ये देखिए हल्का सा लाइट आ रहा है, और ये ऑडियो वीडियो कॉर्ड है। क्योंकि दोस्तों आपको दिखाने के लिए फर्स्ट टाइम ESD का स्क्रीन फोकस पिन को मैं थोड़ा सा डाउन किया, तो अभी इसी टाइम ESD को थोड़ा सा लाइट बढ़ा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों लाइट तो मैं बढ़ाया, और वीडियो तो नहीं आ रहा है, लग रहा है ये कॉर्ड लूज है। देखिए दोस्तों वीडियो भी आ गया, अब अच्छा करके फॉलो कीजिए, वीडियो आ गया। और कैमरा का वजह ये ब्लोअर लग रहा है, तो ये बहुत वीडियो बनाने के लिए दिक्कत आ जाता है, इस तरह प्रॉब्लम जब आएगा। तो दोस्तों देखिए इसका पिक्चर आ गया। तो दोस्तों ये अलग सा पिक्चर ट्यूब है, ठीक है। तो कलर या ESD सब कुछ सही से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और क्या आपको दिखाऊंगा, तो चलिए ESD को, इसका लाइट भी बहुत कम लग रहा है, तो ये रिमोट से एडजस्ट करना पड़ेगा, ESD को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों
ESD को मैं थोड़ा सा एडजस्ट किया और इसका कलर क्वालिटी भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।